हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट से लेकर सेवेंथ पार्ट तक सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हमें गिवन है उनमें जो फ्रैक्शंस हमें दिए गए हैं स्टूडेंट्स, हमें उन फ्रैक्शंस के रेसिप्रोकल को फाइंड आउट करना है। और आगे हमसे कहा गया है, क्लासिफाई द रेसिप्रोकल्स एज प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड होल नंबर्स। यानी कि इन फ्रैक्शंस के हमें जो रेसिप्रोकल्स मिलेंगे स्टूडेंट्स, फिर हमें ये भी चेक करना है कि वो रेसिप्रोकल्स प्रॉपर फ्रैक्शंस है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस है या फिर होल नंबर्स है। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया स्टूडेंट्स 3/7, तो पहले तो हम 3/7 का रेसिप्रोकल पता करेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 इज इक्वल टू 7/3। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि किसी भी फ्रैक्शन का अगर आपको रेसिप्रोकल पता करना है तो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 7/3। देखिए 7 ऊपर आ गया और 3 नीचे आ गया। अब हमें ये बताना है कि 3/7 का जो ये रेसिप्रोकल हमें मिला है 7/3, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, तो अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होता है तो ये कैसा फ्रैक्शन होगा? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो यहां पर हमने लिखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें दिया गया है 5/8। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम रेसिप्रोकल पता करते हैं 5/8 का। रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इज इक्वल टू 8/5। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ गया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब हमें चेक करना है कि ये जो रेसिप्रोकल हमें मिला है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि यहां पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है, तो ये कैसा फ्रैक्शन होगा? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो यहां हमने लिखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है 9/7। तो पहले हम रेसिप्रोकल पता करेंगे 9/7 का। तो यहां हमने लिखा रेसिप्रोकल ऑफ 9/7 इज इक्वल टू 7/9। अब हमें चेक करना है स्टूडेंट्स के 7/9 प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है। तो देखिए यहां पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो ये कैसा फ्रैक्शन होगा? ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो यहां हमने लिखा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 6/5। तो पहले हम 6/5 का रेसिप्रोकल पता करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 6/5 इज इक्वल टू 5/6। अब हमें चेक करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, तो ये कैसा फ्रैक्शन होगा? ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो यहां हमने लिखा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है 12/7। तो यहां हमने लिखा रेसिप्रोकल ऑफ 12/7 इज इक्वल टू 7/12। और ये किस तरह का फ्रैक्शन है स्टूडेंट्स? देखिए इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो यहां हमने लिखा प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम सिक्स्थ पार्ट करेंगे। सिक्स्थ पार्ट में हमें गिवन है 1/8। तो पहले हम 1/8 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ 1/8 इज इक्वल टू 8। देखिए स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल में क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में। तो देखिए यहां पर 8 डिनोमिनेटर में था, तो 8 तो यहां न्यूमरेटर में आ गया और ये जो 1 न्यूमरेटर में है ये यहां पर डिनोमिनेटर में आ गया। लेकिन डिनोमिनेटर में आप 1 लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/8 का रेसिप्रोकल क्या आ गया है? 8। और 8 क्या है? एक होल नंबर है। तो यहां पर हम लिखेंगे होल नंबर। अब हम सेवेंथ पार्ट करेंगे। सेवेंथ पार्ट में हमें दिया गया है 1/11। तो पहले हम रेसिप्रोकल पता करते हैं 1/11 का। तो यहां हमने लिखा रेसिप्रोकल ऑफ 1/11 इज इक्वल टू 11। तो यहां पर हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो 11 डिनोमिनेटर में था ये न्यूमरेटर में आ गया और ये जो 1 न्यूमरेटर में था ये यहां पर डिनोमिनेटर में आ गया। और डिनोमिनेटर में 1 लिखने की हमें जरूरत नहीं होती, तो वो हमने दिखाया नहीं है। तो यहां पर 1/11 का रेसिप्रोकल आ गया है 11। और 11 क्या होता है? 11 होता है होल नंबर। तो यहां हमने लिखा होल नंबर। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।